दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। बात करते हैं बनारसी लोकसभा सीट के ऊपर। बड़ी अपडेट आ रही, भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा है। दिल्ली से लखनऊ तक बैठकें जारी है। आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सीट नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, जहां से सांसद, उनकी सीट पर इतना ज़्यादा हड़कंप क्यों मचा, आपको बता दें बड़ी अपडेट। अखिलेश यादव ने अपना दल कमेरावादी पार्टी की, जो पल्लवी पटेल है, समाजवादी पार्टी सिंबल से विधायक है, और सिराथू में जिस तरह से धूल चटाई थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, और आपको बता दें तब से हड़कंप मचा है। अभी खबर पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है कि समाजवादी पार्टी और कमेरावादी सूत्रों के अनुसार, अगर इस अपडेट जो मैं बता रहा हूँ क्लियर हो गया कि बनारस में आमना सामना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस सीधा पल्लवी पटेल का। भारतीय जनता पार्टी एक बार धोखा खाई है, और इस धोखे के बाद वो समझ गई है कि हल्के में नहीं लेना पल्लवी पटेल को। पल्लवी पटेल वह खिलाड़ी, आपको बता दे कि अगर पल्लवी पटेल बिल्कुल कांटे का मुकाबला कर देती है या चुनाव जीत जाती है, जिस तरह से पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाने वाली एक शानदार नेत्री और शानदार वक्ता डॉक्टर पल्लवी पटेल अगर इस चुनाव को, मुख्य चुनाव का जो हवा है इसको मोड़ देती, तो आपको बता दे कि अपना दल कमेरा पार्टी का वर्चस्व पूरे भारत में एक वर्चस्व एक मुस्त हो जाएगा। खबर यह है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि अपना दल कमेरावादी आगे बढ़े। ये जो पार्टी है अपना दल कमेरावादी, ये शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और पिछड़े दलितों की आवाज उठाने वाली अपना दल कमेरावादी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। मंच पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बोल दिया कि अपना दल कमेरावादी का मैं साथ दूंगा और निराश नहीं करूंगा, और किसी भी वक्त कोई भी जरूरत पड़े तो यहां से हम आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे, कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल का नाम जब से सुर्खियों में, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में हड़कंप मचा है, जातिवादी पत्रकार तो पागल हो गए हैं कि आखिर एक ये न्यूज जब से आई, नरेंद्र मोदी साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। तीन ऐसी विधानसभा है, आपको बता दें कि जो बनारस में तीन ऐसी विधानसभा है जिस जो कुर्मी बाहुल है, और मुसलमानों की संख्या वहां पर बहुत अच्छी खासी मानी जा रही है। यादव समाज और पिछड़ों और दलितों की संख्या वहां पर बहुत अच्छा, उसकी पिछड़ों और दलितों में जो पैठ है पल्लवी पटेल के, और जो वक्तव्य है, बात करने की जो शैली, आरक्षण, संविधान के ऊपर जिस तरह से एक एक प्रखर होकर पल्लवी पटेल बोलते, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी साहब के लिए बहुत बड़ा संकट का बादल छाता हुआ दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकें हो रही, हड़कंप मचा। पूरे पिछड़े समाज के जो नेता हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बुलाए जा रहे हैं, और उसका समीक्षा बैठक जारी है कि बनारस में नरेंद्र मोदी साहब अगर हार जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हड़कंप होगा और अपना दल कमेरावादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा। अखिलेश यादव की सबसे करीबी और भरोसेमंद यह नेत्री निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, पूरे भारत की राजनीति में डंका बजाने वाली हैं। तो खबर बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर मानी जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो कि सिंबल समाजवादी पार्टी की तरफ से इंडिकेशन मिल गया है कि पल्लवी पटेल ही नरेंद्र मोदी साहब के सामने होंगी, और साथ में जो कि अपना दल कमेरावादी पार्टी भी तैयारी में जुट गई। वहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, अपना दल कमेरावादी कार्यकर्ता, और केशवदेव मौर्य का महान दल का कार्यकर्ता, संजय चौहान का कार्यकर्ता, और अच्छी खासी पैठ महेंद्र राजभर की, वहां पे पूरी तरह से घेरने के चक्रव्यूह में नरेंद्र मोदी साहब को फंसाने के लिए पूरा संगठन एकमुश्त हो रहा है, चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी हो रही है। तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी में अफड़ा तफड़ी मची है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।